साइटोप्लाजमिक ऑर्गनेलिज द वैक्यूल्स फर्स्ट द कॉन्टेंट्स डेफिनेशन ऑफ वैक्यूल स्ट्रक्चर ऑफ वैक्यूल्स एंड रोल ऑफ वैक्यूल इन द सेल जी फर्स्ट डेफिनेशन वेक्यूल आर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेलिज इन द सेल विच आर मेनली इन्वॉल्व इन द स्टोरेज ऑफ वाटर एंड द साल्स स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो नंबर ऑफ जो वैक्यूल्स हैं इसका बेसिक जो रोल है सेल के अंदर ये वाटर और साल्स को जो है स्टोरेज करना है क्योंकि अगर आप साइटोप्लाज्म की बात करें साइटोप्लाज्म द डेंस मीडियम तो साइटोप्लाज्म के अंदर जो एक्स्ट्रा वाटर होता है उसको इनिशियली जो है वो फॉर स्टोरेज परपज़ साइटोप्लाज उसको जो है वो वैक्यूल के अंदर भेज दिया जाता है इस तरह से अगर साल्स हैं तो साल्स को भी जो है वो वैक्यूल के अंदर फॉर द टाइम बिंग स्टोर कर लिया जाता है अब नंबर ऑफ़ वैक्यूल्स वेरी करते हैं सेल टू सेल प्लांट्स के में तो जनरली दिग वन बिग वैक्यूल लेकिन अगर एनिमल्स की बात करते हैं तो एनिमल्स के अंदर स्मॉल वैक्यूल्स और उनका नंबर जो है तो आमतौर तो पर एक से ज़्यादा होता है स्ट्रक्चर ऑफ वैक्यूल वैक्यूल के अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो इट इज सिंगल मेम्ब्रेन वॉर्ड ऑर्गेली सिंगल मेम्ब्रेन वॉर्ड ऑर्गेनाली है और इसकी जो स्पेसिफिसिटी है या खास बात है वो है इसकी मेम्ब्रेन वैक्यूल की मेम्ब्रेन के लिए के टिपिकल टर्म यूज टोनोप्लास्ट तो वैक्यूल जो है ये बेसिकली इसकी जो मेम्ब्रेन है दिट इज़ हाईली स्पेशलाइज फॉर अपेक आ वाटर एंड द साल्स तो ये वाटर और साल्ट को साइटोप्लाज्म से अपटेक करके अपने अंदर जो वो स्टोर करते ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर और साल्स के लिए वो जो है वो uh, क्या सकते हैं स्पेशलाइज जो है वो मेमब्रेन है जी अच्छा मोस्ट ऑफ एनिमल सेल्स हायर एनिमल्स के अंदर जो वेक्यूल फिर जो होगा ये हम तो वाटर और साल्स वगैरह के या आय्स वगैरह के स्टोरेज के लिए यूज होते हैं बट देर आर समर टाइप्स ऑफ वेक्यूल्स एज वेल वेक्यूल्स के कुछ और टाइप्स भी हैं उसमें हमारे पास इंपॉर्टेंट है फूड वैक्यूल और कॉन्ट्रेक्ट वैक्यूल फूड वैक्यूल जो है इट इज़ प्रेजेंट इन द यूनिसेल ऑर्गेनिजम्स या फिर स्पोंज वगैरह के अंदर जो है मौजूद सिंपल मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर मौजूद है फूड वैक्यूल जो भी फूड सेल मेम्ब्रेन से एंडोसाइटोस के थ्रू जो है वो साइटोप्लाज्म में लाया जाता है दैट इज एक्चुअली प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ फूड वैक्यूल और वही फूड वैक्यूल जब साइटोप्लाज्म के अंदर आकर लाइजोजोम के साथ मर्ज होगा तो उससे फिर इसकी डाइजेशन जब होगी तो इसका मतलब ये हुआ कि वैक्यूल का काम ना सिर्फ वाटर और साल्ट की स्टोरेज है बल्कि कुछ एनिमल्स के अंदर या कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर इसका काम फूड की डाइजेशन भी है इसके साथ साथ तीसरा जो थर्ड इंपॉर्टेंट रोल ऑफ वैक्यूल है दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रकटाइल वैक्यूल एक्वेटिक यूनिसेलोर ऑर्गेनजम या सिंपल मल्टी सेलोर ऑर्गेनिज्म जो हैं आप चूँकि वाटर के अंदर रहते हैं तो उनके बॉडी के अंदर मसलसल वाटर एंटर होता रहता है एंड दैट एक्स्ट्रा वाटर वो जो भी एक्स्ट्रा वाटर उनके अंदर वाटर एंटर हो रहा है दैट इज़ रिलीज बैक या उसको जब वो एक्सपेल आउट इन दि विद दल्प ऑफ कन्डक्टाइल वेक्यूल तो कन्डक्टायल वैक्यूल जो है वो बेसिकली क्या करते हैं कि उसके जो है वो डिफरेंट चैनल्स होती हैं अपने चैनल के थ्रू वाटर को एब्जॉर्ब करता है जब वो फिलअप हो जाता है वो सेल मेबरिन के पास जाकर बस्ट करता है वो सारा वाटर जो बायर निकल जाता है तो इस तरह से इसकी जवाब यही है कि आमतौर पर वाटर को क्लेक्ट करना जब वाटर उसके अंदर कलेक्ट हो जाता है तो ये बूस्ट टू वर्ड सेल मेंब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के साथ जाकर मर्ज करेगा और सारा वाटर जो है रिलीज़ हो जाएगा ये हमारे पास एक यूनिसेल ऑर्गेनिज्म जो है वो पैरामीशियम का स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हमें फूड वैक्यूल भी और इसके साथ कॉन्डक्टाइल वैक्यूल जो है दोनों बड़े विजिबल हैं यहाँ से अगर हम देखें जो भी फूड एंटर होगा दैट इज़ एंटरिंग इन द फॉर्म ऑफ फूड वैक्यूल वो यहाँ से ओरल कैविटी के साथ ही एक फूड वैक्यूल की फॉर्म है वो बॉडी के अंदर आ जाता है अब फूड वैक्यूल के अंदर इसकी डाइजेशन होगी यूजफुल सब्सटेंस एब्जॉर्ब हो जाएंगी और उसके बाद फूड वैक्यूल का वो पार्ट जो बॉडी में ऑब्जॉर्ब नहीं होगा वो मटेरियल उसको यहाँ से जब एक्सपेल आउट कर दिया जाता है फूड वैक्यूल के साथ दूसरा इंपार्ट हमने कहा है कंट्रक्टाइल वैक्यूल पैरामिशन के अंदर आप, आप, आप देखें आपको दो कंट्रकटायल वैक्यूल जो है वो नज़र आ रहे हैं जिस द फर्स्ट कन्ट्रक्टाइल वैक्यूल एंड दिस इज द सेकेंड कंट्रकटायल वैक्यूल जो है वो आमतौर पर ये अगर दो मौजूद हैं ये अल्टरनेटिवली वर्क करते हैं एक वक्त में एक जो है वो वाटर को एक्सपेल करता है बाहर और दूसरा जो है वो वाटर को कलेक्ट कर रहा होता है फिर दूसरा जब अप हो जाएगा ये वाटर को एक्सपेल करेगा और इस दौरान जो फर्स्ट वन जो है वाटर को कलेक्ट कर रहा हो तो इससे ये बारी बारी दोनों क्या करेंगे कि जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर सेल के अंदर एंटर हो रही है उसको सेल से बाहर जो है वो निकालेंगे